तब नेक्स्ट कार्रवाई क्या होगी? एक क्या किया, सबसे पहला काम किया एयरवे क्लियर करना है। मेडिकल में फर्स्ट एड में तीन चीजें बहुत जरूरी होती है, एबीसी, ए फॉर एयरवे, बी फॉर ब्रीदिंग, सी फॉर सर्कुलेशन। सी में और एड हो जाता है टू कंट्रोल ब्लीडिंग, तीनों का महसूस भी करता है, उसको क्या बोलते हैं एलएलएफ, लुक लिसन फील। फील भी कर रहा है कि सांस चल रही है कि नहीं चल रही है, देख भी रहा है धड़कन को चल रही, छाती एक्सपेंशन देख रहा है और सुन भी रहा है। तीनों काम से पता लगता है कि इसकी सांस चल रही है। अब ये बताएगा क्या कंडीशन है, अपसेट ब्रीथिंग नहीं। फिर इसके बाद पल्स को देखते हैं, पल्स कैरोटिड पल्स देखते हैं। कैरोटिड पल्स देखने का तरीका है हमारी जो ट्रेकिया बोन है इसके दाहिने साइड में फील करते हैं। कभी कभी इमरजेंसी में नहीं दिखती है तो आप कान से भी धड़कन सुन सकते हो, ऐसा नहीं है कि धड़कन सुनना है, धड़कन चल रही है कि नहीं चल रही, तरीका यही है कैरोटिड पल्स को देखते हैं। कैरोटिड पल्स ऑब्सेंट है, उसने अपनी जगह बना ली और अपने मास्टर हैंड को नीचे रखना है, कोहनी को बिल्कुल लॉक करना है, उसके ऊपर लैंड हो जाना है। थोड़ा सा पांव अपना घुटना पीछे करो, हल्का सा दो पीछे, हाँ यस, ये एल पोजीशन बनानी है क्योंकि जो भार है हमारे घुटने का भार उसके छाती पे, इसके कंधे का भार उसकी छाती पे जाए, ना कि हमारे हाथ का प्रेशर जाए। हाथ में पकवा नहीं देना है और उठा के ऐसे नहीं करना है, एक बार जहां हाथ पड़ गया उसी पे पंप करना है। अब पंप करके बताएंगे, रेस्पायरेशन देना। रेस्पायरेशन देने से पहले आप याद रखना कि एक बैरियर लगा देना, चाहे रुमाल हो चाहे फेस शील्ड हो, कुछ लगा के ही देना क्योंकि उसके मुंह में झाग आएगा, जहर खा रखा होगा, कोई बीमारी होगी आप ले सकते हैं। रुमाल जरूर रखना चाहिए। ए सर्कल तीन बार चलेगा, 30 और 2 का सर्कल कितनी बार चलेगा, 3 बार। एक